श्री नारायण में इसका लोकार्पण और भूमि पूजन किया हमने। अच्छा, इसके अलावा किया, चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वहाँ भी नजर आएंगे। कल हमने रोड शो कर लिया, इतना शानदार था और सारे लोग हमारे लगे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे मंच पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लोग धार्मिक आयोजनों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर के आपने जवाब। ये हमारी संस्कृति है, रामायण हम लोग घर घर में, गांव गांव में, मोहल्लों में इसका आयोजन होता है और राम तो हमारे यहाँ कण कण में रचा बसा है, भाचा राम के रूप में हम लोग पूजते हैं उसको, तो राम तो यहाँ हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जिसे भगवान राम ने जोड़ने का काम किया है, इसे तोड़ने युद्धक राम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको लेकर के भी आपने आपत्ति जताई कि जो राम और हनुमान को लेकर के चरित्र गढ़ा, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अब जिसको युद्धक राम के मतलब रेनबो जैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये राम तो की छवि नहीं है लोगों में। आप हनुमान जी को एकदम आक्रोशित दिखाई देता, हनुमान जी का कोई स्वरूप ही नहीं उस प्रकार से जिसको दिखाया जा रहा है आजकल, प्रस्तुत किया जा रहा है, वो तो भक्ति शक्ति और ज्ञान का समुच्चय है। उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा ज्ञानी कोई है, उससे बड़ा बलशाली जिसके रूप में हम लोग सब देखते हैं। तो आज यदि संकट में रहते हैं तब हनुमान जी की याद करते हैं, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तब हनुमान जी की शरण में जाते हैं। आज उसको एकदम विकृत रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये जो हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार से जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो बेहद घोर, मैं समझता हूँ इसके मैं सहमत बिल्कुल तो नहीं हूँ इसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि दरअसल राम और महाभारत को लेकर के जिस तरह से, खास हनुमान जी को लेकर के जो चरित्र किया जा रहा है उससे वो सहमत नहीं है। कैमरामैन चोलाराम के साथ शिवनारायण से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24।